स्टोरी विथ बिनाका, सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। 16 महासतियों की श्रृंखला में आज आप सुनिए महासती प्रभावती की कहानी। पूरे नगर में हर घर में हाहाकार मचा हुआ है। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, पर अग्नि की महाज्वालाओं ने जैसे दावानल का रूप धारण कर लिया है। पूरा विदभय पतन नगर सर्वनाश के शिखर पर खड़ा दुख और त्राहिमाम की अगणित पुकारों से चीख रहा है, पर कोई नहीं है, कोई नहीं है उसका त्राता, उसका संकट मोचक। महाअग्नि के महामुख में लोग प्रवेश करते जा रहे हैं। स्वजन परिजन किसे बचाएं, कैसे बचाएं, स्वयं के प्राण भी महासंकट में पड़ गए हैं। न कोई दिलासा देने वाला है, न कोई बचाने वाला। लाचारगी और बेचारगी से त्रस्त है हर प्राणी, हर व्यक्ति। गली घर महल झोंपड़ी सबको लीलती हुई ज्वालामुखी बाहर की ओर बढ़ चली है। शहर के बाह्य भाग में ही झोंपड़ी में रहता है प्रजापति शुभंकर। आकाश में उठती महाज्वालाएं, धुएं की गंध, झुलसती पृथ्वी और रोती प्रकृति को देखकर उसकी आंखें आंसुओं से नम हो गई हैं। वो चौकन्नी निगाहों से देख रहा था काली नागिन की तरह बढ़ती हुई उस अग्नि शिखा को। उसकी आशाओं का एवं जीवन का दीप एक तरह से बुझने के कागार पर है, पर वो आग उसकी ग्रह परिधि में प्रवेश करे उसे पहले ही जैसे एक अपूर्व घटना ने जन्म लिया है। उन विकराल लपटों ने दिशा को बदल दिया है। श्वासों का बुझता चिराग फिर से जल उठा। संकट का अकल्पित रूप से सिमटना उसके लिए आश्चर्य का विषय बन गया है। तभी उसे अपनी झोपड़ी में ठहरे मुनि की स्मृति हो आई। वो सपत्नीक दौड़ा है मुनि के कक्ष की ओर और वहां देखता है उनका निष्प्राण कायिक वैभव। उनका दर्द अब कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। शरीर का नीलाभ वर्ण देखकर वो मरण का रहस्य समझ गया है। राजा केशी कुमार के प्रति उसका हृदय थुथू करने लगा। धिक्कार है ऐसे राजा को जिन्होंने मुनिंद्र उदयन के आगमन की खबर सुनी और पहड़ बजवा दिए कि इन्हें कोई स्थान न दे। केशी सम्राट को संदेह था कि ये पुनः राज्य हड़पने के लिए आया है। राजर्षि उदयन हर चौखट को ना पाए, पर किसी ने भी स्थान नहीं दिया। राजाज्ञा की अवहेलना करने की हिम्मत भला किसकी होती। अंतोगत्वा मुनिवर पहुंच गए हैं शुभंकर की दहलीज पर। छोटी सी झोपड़ी है उसकी और वो भी नगर के बाहर। धर्म लाभ, ये ध्वनि यकायक उसके कर्ण पटल से आ टकराई। उसने बाहर पहुंचकर देखा कि हमारे नगर के अधिपति राजश्री उदयन याचक की मुद्रा में सहजता से उपस्थित हैं। महाराज को महर्षि के रूप में देख उसका रोम रोम आनंद की अमी से उछलने लगा है। पधारो भगवन, इस दासानुदास की सविनय वंदनावली स्वीकार करो। वत्स, वसति की गवेषणा के लिए आया हूं, क्या ठहरने के लिए स्थान उपलब्ध हो सकेगा? दोपहर की तपती धूप, नंगे पांव तले उष्ण धरातल, मोती की तरह चमकती पसीने की बूंदें। अरे मुनिवर, आप धूप और ताप में कहां खड़े हैं? पधारिए, पधारिए, आपका हार्दिक अभिनंदन है। आपके पावन आगमन से मेरा ये ग्रह आंगन धन्य हो गया है। यद्यपि वो जानता था कि राजकीय निषेधाज्ञा होने से स्थान देना संभवित खतरे से खाली नहीं है,
फिर भी मानवीय संवेदनाओं से उसका हृदय श्रद्धार्थ हुए बिना नहीं रहा। राजा केशी को शुभंकर के द्वारा मुनि को स्थान देना तनिक भी अच्छा नहीं लगा, पर लोकापवाद के कारण वो कोई प्रतिक्रिया नहीं कर पाया। लेकिन येन केन प्रकारेण मुनि को खत्म करना चाहता था, पर सीधे सीधे बंदी बनाकर मृत्यु दंड देने में अपयश और कृतज्ञता का अभिशाप था। राज लोभ में डूबा वो दिन रात एक ही विचार कर रहा था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। संयोग ही समझिए कि प्रतिदिन रुक्ष निरह आहार करते करते मुनिंद्र रोगाक्रांत हो गए। स्वास्थ्य लाभ के लिए राजवैद्य की चिकित्सा का सहारा लिया और यहीं पर केशी कुमार को अपने दुष्ट मन को क्रियान्वित करने का अवसर मिल गया। नृपति के आदेश अनुसार राजवैद्यों ने विष मिली औषधि का पान करवा दिया। जहर आखिर जहर है, उसने अपना दुष्प्रभाव दिखाया और कुछ पलों में मुनि ने समाधि पूर्वक प्राण त्याग दिए। उनकी नीलाभ काया, नसों का खिंचाव, बाहर निकली आंखें, मुंह से निकलते झाग, दंपति की आंखों में आंसू बह चले। वास्तव में लोभ का भूत व्यक्ति को यहां तक कृतघ्नी और स्वार्थी बना देता है कि वो उपकारी की जीवन लीला समाप्त करने में भी तनिक हिचकिचाता नहीं है। ओह, राजा के घृणित अत्याचार का जनबल भले ही विरोध न कर पाया, पर प्रकृति भला कैसे महाकोप को झेल पाती। उसने इतना विकराल रूप धारण किया कि पूरा नगर विनाश के कागार पर खड़ा हो गया। निर्दयी राजा के निर्मम क्रूर कारनामे को मूक भाव से देखने वाली जनमेदिनी भी प्रकृति के प्रतिशोध से बच न सकी। दंपति ने व्यथित मन से मुनिंद्र की अंत्येष्टि संपन्न की और देखते देखते उनका सारा जीवन चल चरित्र की भांति उनकी आंखों के आगे उतरने लगा। ओह, इतना महाप्रतापी महाराज उदयन का पुण्य वैभव कितना प्रकृष्ट और उत्कृष्ट था। सिंधु सौवीर के 16 राज्यों पर उनकी एक छत्र अनुशासना चलती थी। संपत्ति और समृद्धि के अतुंग शिखर पर बैठे उदयन के विभा में 4 चांद पूरे करने वाली प्रभावती न केवल सौंदर्य और लावण्य से ओतप्रोत थी, अपितु उससे भी बढ़कर उसके पास संस्कार, शील और साधना की अनुत्तर संपन्नता थी। कुल बल और संस्कारों से संपन्न दंपत्ति जैसे एक दूसरे के पूरक ही नहीं, प्रेरक भी थे। प्रभावती ने जन्म कुटी में संस्कारों की शिक्षा प्राप्त की थी, इसी कारण वैभव के महासागर के मध्य भी वो पद्म पत्र की भांति निर्लिप्त थी। रूप और राज्य का दर्प उसे कभी छू भी नहीं पाया। उसके आदर्श और मार्ग संवाहक थे अकिंचन निर्ग्रंथ। एक दिन संपूर्ण नगर में एक ही चर्चा की हवा बह चली। न जाने वो कौन सौभाग्यशाली होगा जो इस बंद पावन पेटी को खोलेगा और भक्त जनों को परमात्मा के दर्शन करवाने का महापुण्य प्राप्त करेगा। नाविक ने बताया कि इस विशिष्ट पेटी में परमात्मा की अद्भुत प्रतिमा है। इसका निर्माण परमात्मा के विचरण काल में ही हो गया था। ऐसी प्रतिमा जो आत्म स्वरूप के दर्शन करा दे, ऐसी प्रतिमा जो उपशम रस, सुधा रस की भीगी भीगी अमृतमय सुगंध से मन मानस को श्रद्धा संवेग से अप्लावित कर दे। साधु आए, साध्वी आए, सेठ साहूकारों ने भी अपना भाग्य आजमाया, श्रावक श्राविका भी पंक्ति में खड़े हुए, राजा भी उत्सुक हो हाजिर हुआ, पर पेटी नहीं खुली तो नहीं खुली। दिन पर दिन बीतते गए, रातें गुजरती गई, देशी विदेशी परदेशी न जाने कितने ही पुण्यशालियों ने पेटी खोलने का प्रयत्न किया। उन्होंने अधिष्ठायक देव देवी का स्मरण किया, पूजन वंदन अर्चन किया, पर सब निष्फल, व्यर्थ, अधूरा। विद्भय पत्तन के राजा उदयन के लिए
ये स्थिति चिंताजनक थी। दिन चिंता में व्यतीत होता, रात इन्हीं सोचों में गुजरती, राजकार्य हाथ में धरे रह जाते। हे प्रभु, अब तो अपने अनुपम दर्शन देकर हमें कृतार्थ करो। अब और परीक्षा मत लो, हमारा धीरज जवाब दे चुका है। अब आपके दर्शन बिन नहीं रहा जाता, दर्शन के वियोग का दर्द सहा नहीं जाता। उदयन राजा की पत्नी, शील और सदाचार की सुंदर सौम्य प्रतिमा महासती महारानी प्रभावती, वो पहुंची उस बंद पेटी के समक्ष, अरिहंत भगवान का स्मरण किया, मन में नवकार को स्थापित किया, धूप फल नैवेद्य आदि समर्पित करके बोली, हे परमात्मन, आपके पावनकारी दर्शन पाने की प्यास रोम रोम में है। हे प्रभु, हमारी पुकार सुनो, हृदय आपके लिए तरस रहा है, तड़प उठी है संवेदनाएं, कीजिए कृपा, बरसाइए आशीष का अमी, करुणा निधान, एक बार तो दर्शन दीजिए। कहते कहते प्रभावती की आंखों में अश्रुधारा बह चली। तभी एक विस्फोट हुआ, मेघ बरसे और देखते ही देखते पेटी खुल गई, परमात्मा के साक्षात दर्शन हुए। देवों ने पंचवर्णी पुष्पों से बरसात की, दिव्य धनी का गुंजारव हुआ। ये सब शीलवती प्रभावती के सचरित्र और शील के महाबल का ही पुण्य प्रभाव था। राजा ने एक सुंदर मंदिर बनवाकर उसमें परमात्मा को प्रतिष्ठित किया। जब तब उसका चित्त मंडल इन भावों से छलकता रहता कि समस्त भोगों भोग अंतोगत्वा क्षणिक नश्वर और विध्वंस परिणामी है। वो पुण्यपल कब आएगा जब दीक्षित होकर मैं आत्म कल्याण की साधिका बनूंगी। उसकी निर्मल परिणीति के परमाणुओं ने प्रभु महावीर को आकृष्ट किया। उनके चरणों की पर्योपासना करते हुए उसका मन परम विरक्त दशा को उपलब्ध हो गया। उन्होंने अपना निवेदन महाराज उदयन के सम्मुख रखा। प्राण प्रिया परमेश्वरी की दीक्षा का आवेदन सुन उदयन चकराए बिना न रहे। उन्होंने अनेक प्रश्न प्रतिप्रश्न किए, मगर प्रभावती के अटल वैराग्य को परख कर उन्हें दीक्षा की अनुमति देनी ही पड़ी। यद्यपि उदयन राजा के तापसों के प्रति अनन्य भक्ति थी, तथापि सर्व धर्म के प्रति कोमलता के कारण प्रभावती की भावधारा को मोड़ने का उपक्रम उन्होंने कभी नहीं किया था। इससे भी अधिक प्रभावती को संयम यात्रा का यात्री बनाकर अपनी उदार मानसिकता का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया था। मगर उनकी शर्त थी कि तुम उचित समय पर मुझे प्रतिबोध अवश्य दोगी। इसमें प्रभावती को भला क्या आपत्ति हो सकती थी। स्वीकृति के साथ प्रवर्धमान उत्साह से वो वीर पथ की अनुगामिनी बन गई। जब तप की साधना उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करती रही, वैराग्य की आंच में उसकी चेतना को नया निखार मिला। कषायों को मंद करती हुई वो समाधि मरण प्राप्त कर देवलोक में महर्त्विक देव बनी। अवधि ज्ञान के द्वारा जब उसने अपने पूर्व भव को जाना, तो प्रवत्त वचन की पूर्णता के प्रति संकल्पबद्ध बन गई और महाराज को प्रतिबुद्ध करने के लिए वो उचित काल की प्रतीक्षा करने लगी। एक दिन की बात है, महाराज उदयन हाथी पर सवार होकर वन विहार के लिए निकले। साथ में कुछ सैनिक थे। यकायक वो हाथी उन्मत्त हो चिंघाड़ता हुआ इधर उधर भागने लगा। कोई भी उसको वश में करने में सामर्थ्य नहीं था। राजा के प्राण जैसे कंठ में आकर अटक गए। जैसे तैसे वो किसी वृक्ष की शाखा को पकड़कर वे अपने प्राण बचा पाए, पर घने अरण्य में उदयन को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इधर उधर भटकते भटकते अब तो भूख के कारण प्राण छटपटाने लगे। जिस जंगल में किसी मनुष्य की उपस्थिति तो क्या, उसकी छाया की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वहां एक ब्राह्मण को अपने समक्ष पाकर उदयन के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उस विप्र प्रवर ने कृपा की वर्षा करते हुए
एक सुरभित फल राजा की हथेली पर रख दिया। भूखे और थके राजा उनके अनुग्रह के प्रति गदगद हो गए। उस दिव्य माधुर्य से परिपूर्ण फल का रस चखा तो उनका हृदय अपूर्व तृप्ति से छलके बिना नहीं रहा। महाराज उदयन ने जब उस अमृतो फल के बारे में जिज्ञासा अभिव्यक्त की तो ब्राह्मण रूपी देव को प्रतिबोध देने का उचित अवसर मिल गया। उसने कहा, यहाँ से कुछ दूरी पर ईशान कोण में तापस आश्रम है, वहीं से ये अनूठा फल प्राप्त हो सकेगा। उदयन धन्यवाद ज्ञापित कर शीघ्र निर्दिष्ट आश्रम की दिशा में चल पड़े। जैसे ही वे आश्रम में प्रविष्ट होने लगे कि तापस चिल्लाने लगे, मारो मारो, लूट लो, काट लो इस बदमाश को, कहते हुए राजा को पकड़ने के लिए दौड़ने लगे। यकायक इस प्रकार का वातावरण देख उदयन घबराए, पांव जैसे भूमि पर चिपक कर रह गए और प्राण बचाने की चाह में पूरी ताकत लगाकर वे भागने लगे। तीव्र गति से भाग रहे उदयन को पकड़ने में असमर्थ तापस पुनः वहां से लौट गए। पर तापसों का इस प्रकार का दुर्व्यवहार और ऐसी दृष्टता देखकर राजा दुखी हो गए। उनकी श्रद्धा की नींव को जबरदस्त झटका लगा। थके हारे वे एक वृक्ष की छांव तले सुस्ताने के लिए रुके। कुछ पलों के बाद उनके कानों से जंगल के एक छोर से आ रही शब्द लहरियां टकराने लगी। उन्हें लगा, जरूर इस दिशा में कोई मानव बस्ती होनी चाहिए। वे सधी चाल से उस दिशा में चल पड़े। चलते चलते उस स्थान पर पहुंच गए जहां से मधुर स्वर लहरियों का सुरीला संगीत प्रवाहित हो रहा था। गांव के बाहर उद्यानस्थ जैन मुनि प्रवचन फरमा रहे थे और जन समूह एकाग्र होकर श्रवण कर रहा था। उन्हें तापस आश्रम की याद हो आई। अंदर बढ़ते पांव अनिष्ट की आशंका से बाहर ही रुक गए। वहीं खड़े खड़े उदयन ज्ञानामृत का रसपान करने लगे। सांसारिक भोगों के निस्सारता और मोक्ष प्राप्ति के दिव्य पुरुषार्थ प्रेरणा संयुक्त वचन सुनते हुए उनके पांव कब अंदर प्रवेश पा गए उनको ख्याल भी नहीं रहा। उनका अंतकरण निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति श्रद्धा से अप्लावित हो गया। इस ज्ञान लोक में वे स्पष्टतया जान चुके थे कि मेरी मंजिल कहाँ है और मैं कहाँ गोते लगा रहा था। निर्ग्रंथ धर्म स्वीकार कर उनकी धन्यता का पार न रहा। तापसों की क्रूरता और जैन मुनियों की करुणा, दोनों में जैसे आकाश पाताल का अंतर देखकर आश्चर्य से उनका मन अभिभूत हो रहा था। प्रवचन के उपरांत उन्होंने विदाई ली। मुनियों की निस्संगता और निष्प्रहता की स्मृतियां जैसे उनके साथ साथ चल रही थी। अपने नयनों को तृप्त करने के लिए महाराज उदयन ने पीछे दृष्टि घुमाई तो वहां न मुनिगण थे, न जन समूह, न आश्रम। तक्षण अंतरिक्ष में से एक चिर परिचित शब्दावली गूंजी, स्वामिन, आपको प्रतिबुद्ध करने के लिए ही ये सारी संयोजना थी। अपना दत्त वचन पूर्ण कर आज मैं निर्भर हो गई। उदयन समझ गए, ये कुछ और नहीं प्रभावती की ही देव माया का परिणाम है। एक बार उदयन की स्वर्ण गुलिका नामक दासी का अपहरण चंड प्रद्योत ने करवा लिया। उदयन के लिए ये एक तरह की चुनौती ही थी। उन्होंने शीघ्र ही अपने संदेश वाहकों के द्वारा दासी को ससम्मान लौटा देने का संदेश भेजा, मगर चंद्र प्रद्योत ने स्पष्ट इनकार कर दिया। परिणाम अत्यंत स्पष्ट था कि दोनों का सैन्य दल सुसज्जित हो गया। यद्यपि उदयन नहीं चाहते थे कि किसी प्रकार की प्राण हानि हो, मगर ईंट का जवाब पत्थर से देना जरूरी हो गया। यदि इस अधम कृत्य का प्रतिकार नहीं किया तो इस प्रकार की दुष्ट हरकतों को प्रोत्साहन मिलते देरी नहीं लगेगी। उदयन ने अपने हाय गए रथ समूह को विशेष रूप से प्रशिक्षित कर उज्जैनी की ओर कूच किया। लंबा मार्ग, भीष्म ग्रीष्म ऋतु का बढ़ता ताप और दूसरी ओर पेयजल का अभाव, सैनिकों का बड़ा समूह जल के अभाव में तरस तरस कर
मृत्यु के कराल गाल में समा गया। अविशिष्ट सैन्य दल के सम्मुख भी यही विकट संकट था। चिंतातुर उदयन को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। पुण्य का योग प्रबल था। चिंताजनक की सारी स्थिति महर्दिक देव के रूप में स्थित प्रभावती को ज्ञात हुई। उसने अपने कर्तव्य से उत्प्रेरित हो मार्ग में जलाशय की विकुवर्णा की। सूखे कंठ, प्यासी आंखें और बुझते प्राणों को जैसे अमृत कुंभ मिला। अत्यंत कष्टप्रद स्थिति में अर्धांगिनी प्रभावती के सद्भाव से उदयन ही नहीं, हर व्यक्ति की चेतना में प्रत्यज्ञता का सागर लहरा उठा। अपने सैन्य दल बल को पुनः व्यवस्थित कर उदयन उज्जैनी की ओर बढ़े। बढ़ते चढ़ते पराक्रम के साथ अल्पावधि में ही चंड प्रद्योत को बंदी बना लिया। विजय का शंखनाद करते हुए उन्होंने दासी को अपने अधिकार में कर लिया और वेदपय भत्तन नगर की ओर प्रयाण किया। मध्य मार्ग में ही संवत्सरी का महापर्व आ गया। आत्म आराधना में निमग्न होते हुए उदयन ने उपवास की साधना की और संध्या काल में सांवत्सरिक प्रतिक्रमण किया। 84 लाख जीव योनियों में स्थित अनंत जीवों को क्षमा याचना करते हुए उन्हें स्मरण हो आया, अरे मुझे चंड प्रद्योत से भी क्षमा याचना का आदान प्रदान करना चाहिए। यद्यपि वो मेरा अपराधी है, तथापि मेरा धर्म कहता है कि मैं क्षमा याचना करके स्वकृत पापों का मिथ्या दुष्कृत ज्ञापित करूं। शीघ्र ही उनके कदम बढ़ चले चंड प्रद्योत की दिशा में। कारा में कैद चंड प्रद्योत उदयन के मुख से क्षमा याचना की बात सुनकर झुंझला गए। उन्होंने तुरंत कटाक्ष करते हुए कहा, राजन तुम्हारी क्षमा याचना का नाटक भी अद्भुत है। ये सुनकर उदयन के आश्चर्य का पार न रहा। उन्होंने भी पूछ लिया, वो कैसे? राजन हाथ कंगन को आरसी की क्या जरूरत? दिन के उजाले की तरह मेरा कथन अत्यंत स्पष्ट है कि एक तरफ शत्रु को बंदी बनाए रखना और ऊपर से हाथ जोड़कर माफी मांगना किसी नाटक से कम थोड़े ही है। चंड प्रद्योत के मर्म भेदी शब्द उदयन के मन को छू गए। आत्मा की साक्षी से उन्होंने अनुचित और अपराधी की आलोचना की। आंखों में क्षमा के मोती छलक उठे। यद्यपि उनकी आत्मा में गहन पश्चाताप था, फिर भी किसी कोने में छिपा अहंकार और धिक्कार का भाव उन्हें झुकने से रोक रहा था। अहंकार और क्षमा के द्विधा में उलझे उदयन के सम्मुख जैसे प्रभावती की छवि उतर आई। राजन शत्रु को जीतना है तो प्रेम ही एकमात्र उपाय है, अन्यथा शोध प्रतिरोध की ये श्रृंखला कितनी लंबी कैसी दुर्गति दायिनी होगी ये कह पाना अशक्य है। कदम आगे बढ़ाइए और कारा के द्वार खोल दीजिए। क्षमा दान की आहर्ति परंपरा को नए आयाम देकर आराधना को सफल कीजिए। देखते ही देखते उदयन आगे बढ़े और कारा के द्वार खोलकर चंड प्रद्योत को स्नेह से गले लगा लिया। चंड प्रद्योत को हारा हुआ राज्य पुनः मिल गया। प्रभावती की अनुत्तर प्रेरणाएं उदयन की मार्गदर्शिका बनती रही और अल्प काल में राज्य को त्याग कर सम्राट उदयन संयम पथ पर प्रस्थान कर गए। ये थी महासती प्रभावती की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर कहानी सीधे पहुंच सके आप तक। फिर मिलेंगे एक और महासती की कहानी के साथ। जय जिनेंद्र।